गाइस, हाय, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपकी तात, आपकी फ्रेंड अंकिता प्रकाश। एक बार फिर से हाजिर हूं एक नई और बहुत ही खास अपडेट के साथ। कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को लेकर किया बड़ा खुलासा। लगता है शायद ही ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के विवाद कभी खत्म हो। हालांकि बहुत से आरोप और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से शुरू हुआ इनका ये विवाद समय समय पर मीडिया के सामने आता रहता है। अब हाल ही में कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कंगना रनौत तो बॉलीवुड की बेवाक अभिनेत्री मानी जाती हैं। किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटती हैं। बताते चले कि कंगना रनौत हमेशा अपने बयान की वजह से भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। अक्सर कंगना रनौत बॉलीवुड से लेकर सामाजिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं सामने सभी के साथ रखती हैं। हाल ही में कंगना रनौत ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की JNU विजिट पर भी बात कही थी, जो कुछ चर्चाओं का विषय बना था। कुछ समय पहले कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को लेकर भी बड़ा खुलासा किया था। आप लोगों को याद होगा, कुछ समय पहले कंगना रनौत का ऋतिक रोशन के साथ विवाद हुआ था, जिसे लेकर वो एक के बाद एक तल्ख टिप्पणियां कर रही थी। ऐसे में कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर एक इल्जाम लगाया, जिसे जानकर सभी हैरान रह गए। कंगना रनौत ने बोला, वो रात भर मेरी प्राइवेट चीज का मिसयूज करते रहे। जैसे कि कंगना रनौत ने कहा कि ऋतिक रोशन ने इनके ईमेल अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया। ऋतिक रोशन के पास मेरे ईमेल का पासवर्ड था। वह रात भर उनके अकाउंट से लॉग इन रहते थे। उनके अकाउंट से उन्होंने खुद को कई गंदे और भद्दे ईमेल्स किए हैं। इसके साथ कंगना रनौत ने बताया कि इस पूरे मामले में उन्होंने ऋतिक रोशन के पापा यानी राकेश रोशन से भी शिकायत की थी। राकेश रोशन ने उन्हें वादा किया था कि वो उनकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कंगना रनौत ने यह भी कहा, जब वह न्यूयॉर्क में थी तब कुछ ईमेल्स उन्होंने खुद भी ऋतिक रोशन को भेजे थे, लेकिन ऋतिक रोशन उनके अकाउंट का ऐसा इस्तेमाल करेंगे ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा था। खैर, इस तरीके से कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को लेकर कई आरोप लगाए हैं। वैसे कंगना रनौत और ऋतिक रोशन को लेकर आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। today.com पर भी हमारे न्यूज को आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए अपडेट्स हम आप सभी को प्रोवाइड कराते रहें। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग टुडेज़।